एक बार एक व्यक्ति एक महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मेरे जीवन में सब सुख सुविधा है, सब कुछ है, लेकिन मैं फिर भी दूसरों से ईर्ष्या क्यों करता हूँ? मेरे मन में ईर्ष्या का भाव पैदा ही क्यों होता है? वह महात्मा कहते हैं, क्या तुम सच में अपने भीतर से ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहते हो? वह व्यक्ति कहता है कि जी महात्मा, मैं अपने जीवन से पूरी तरह से ईर्ष्या का भाव खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इस ईर्ष्या ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। यह सुनकर वह महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता यही है कि तुम यह स्वीकार कर रहे हो कि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या है। बहुत से लोग तो यह स्वीकार ही नहीं करते हैं, वह यह तो देखते हैं कि उनके अंदर पीड़ा है, लेकिन वह इस पीड़ा के कारण को नहीं देख पाते हैं कि वह पीड़ा आखिर किस कारण से है। वह महात्मा उस व्यक्ति से पूछते हैं कि यह बताओ, जब तुम किसी गरीब को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उत्पन्न होता है? वह व्यक्ति कहता है कि दया का भाव। फिर महात्मा पूछते हैं कि यदि तुम किसी अमीर धनवान व्यक्ति को देखते हो तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उत्पन्न होता है? वह व्यक्ति कहता है कि जब मैं किसी अपने जैसे धनवान व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरा मन करता है कि मैं उससे अधिक धन कमाऊँ और अमीर बन जाऊँ। तब महात्मा पूछते हैं कि और यदि सामने वाला व्यक्ति तुमसे अधिक धनवान है तो तुम्हारे भीतर क्या भाव उत्पन्न होता है? तब वह व्यक्ति कहता है कि तब मुझे लगता है कि मैं कैसे भी करके स्वयं से उसे पीछे छोड़ दूँ, उसे आगे ना बढ़ने दूँ। फिर वह महात्मा कहते हैं कि जब तुम उस सामने वाले व्यक्ति की बराबरी नहीं कर पाते हो तब तुम्हारे मन में क्या भाव उत्पन्न होता है? वह व्यक्ति कहता है कि तब मुझे उस व्यक्ति से ईर्ष्या होने लगती है। तब वह महात्मा कहते हैं कि बस इसी तरह ईर्ष्या का जन्म होता है। ईर्ष्या का अर्थ होता है अधूरापन। जब तुम्हें लगने लगे कि सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं है तब तुम उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने लगते हो, क्योंकि तब तुम्हें लगता है कि उसके पास तुमसे कुछ ज़्यादा है, जबकि वह भी इसी काम को किसी और के साथ कर रहा है। तब वह व्यक्ति महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, मुझे तो यह समझ आ गया कि ईर्ष्या होती क्या है, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि ईर्ष्या खत्म कैसे होती है। आप मुझे बताएं कि ईर्ष्या खत्म कैसे होती है? तब वह महात्मा कहते हैं कि ईर्ष्या का जन्म तुलना करने से होती है। जब तुम किसी दूसरे से तुलना करने लगते हो और स्वयं से ज़्यादा उसके पास देखने लगते हो तब तुम्हें अपने भीतर ईर्ष्या नज़र आती है। इस ईर्ष्या को खत्म करने का एक ही तरीका है कि तुम सत्य को जान लो, और सत्य यही है कि जिस प्रकार सूर्य की तुलना चंद्रमा से नहीं की जा सकती, ठीक उसी प्रकार किसी मनुष्य की तुलना अन्य मनुष्य से करना जीवन का अपमान है। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी तुलना किसी दूसरे के साथ करता है वह स्वयं का अपमान करता है, अपनी सांसों का अपमान करता है जो उसे मिली है। यह जीवन हर किसी के भीतर दौड़ रहा है और हर कोई एक दूसरे से अलग है, और अलग होना कोई कमी नहीं है बल्कि खूबसूरती है। तब यह व्यक्ति उन महात्मा से कहता है कि महात्मा जी, यह सत्य सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन इसे अपने जीवन में उतारना बहुत ही कठिन है। तब वह महात्मा कहते हैं कि इसीलिए कहते हैं कि सत्य को केवल सुनो नहीं बल्कि उसे अनुभव करो। तब वह व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, सत्य को अनुभव कैसे किया जाता है? वह महात्मा कहते हैं कि जिस प्रकार तुम्हें अनुभव है कि आग का स्वभाव जलाना होता है, पानी का स्वभाव प्यास बुझाना होता है, ठीक उसी प्रकार इस मन का स्वभाव
पता होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि यह मन कब किस तरह की चाल चलता है, क्योंकि यह मन ही है जो तुम्हें किसी और से तुलना करने पर मजबूर करता है, किसी से ईर्ष्या करने पर मजबूर करता है। वह व्यक्ति उन महात्मा से पूछता है कि महात्मा जी, इस मन का स्वभाव कैसे पता चलेगा? तब वह महात्मा कहते हैं कि ध्यान के द्वारा। ध्यान ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने मन को, उसके भाव को समझ सकते हैं। वह व्यक्ति कहता है कि परंतु ध्यान करना तो बहुत कठिन है। तब वह महात्मा कहते हैं कि ध्यान करना तो कठिन है, लेकिन उसे होने देना बहुत सरल है। वह व्यक्ति कहता है कि महात्मा जी, ध्यान होने देने का क्या अर्थ है? वह महात्मा कहते हैं कि जब तुम ध्यान करने का प्रयास नहीं करते हो, तब ध्यान खुद पर खुद होता है, जिस प्रकार सांसें खुद पे खुद चलती है। वह महात्मा उस व्यक्ति से कहते हैं कि क्या तुम बिना कुछ किए एक जगह बैठ सकते हो? तब वह कहता है, हाँ मैं बैठ सकता हूँ। वह महात्मा कहते हैं कि बस ध्यान के लिए इतना ही प्रयास चाहिए, बाकी उसके भीतर जो भी होता है उसे उसके हाल पर छोड़ दो। यदि तुमने इतना कर लिया तो ध्यान तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। ध्यान रहे, ध्यान तुम्हें करना नहीं है, उसे बस होने देना है।